फ्रेंड्स, अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं उस महानुभाव जो आज के हमारे चीफ गेस्ट है, जिन्होंने श्वेत क्रांति की परंपरा को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि उसे एक नया मुकाम और आसमां छूती हुई सफलता को साकार किया है। मे आई रिक्वेस्ट हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर आर एस सोढ़ी कि अमूल की तरह आनंद आश्रम भी इस तरह अपना हौसला बढ़ाए, ऐसे आशीर्वचन दे। धन्यवाद श्री जगदीश ठक्कर जी। नमस्कार। आज के जो 11वें वार्षिक फाउंडेशन डे के हमारे गुरुजी श्री जी नारायणन जी, श्री के एस छाबड़ा जी, जिनकी अभी हमने जीवन की पूरी कहानी के लिए एक बुक लॉन्च की है, श्री जे वसावड़ा जी, दक्षेश बांकड़ जी, बहुत ही बढ़िया, मुझे मालूम नहीं था कि इतना भी बड़ा मतलब गूढ़ आप वक्तव्य दे सकते हैं, श्री अरविंद छाजड़ जी, श्री राजकुमार मुखोपाध्याय जी, श्री कामले जी, श्री बिडे जी, मिसेस कंवलजीत एंड चाबड़ा साहब। छाबड़ा साहब ने जैसे बताया, मुझे फोन पे बोला कि आप हमारा ये 11वां फाउंडेशन डे है और आपको आने का है, तो मैंने इनको पहली बात तो नेचुरली इतने इनका जो बात करने का तरीका फोन पे इतना प्यार बड़ा होता है कि आप मतलब अगर मना भी करना हो सोचो कैसे इसने भले आदमी को मना करे। तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा देखिए, फिर मैंने उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं क्या है, तो मैंने कहा ये वो बात बहुत अच्छा है, आप बहुत सेवा का काम कर रहे हैं, सोशल संस्था है बड़ौदा के, बड़े गणमान्य लोग आपसे जुड़े हुए हैं और अच्छा काम करते हैं, पर आप ये जो ठीक है ये आपका जो है इसमें आप एक दूध वाले को बुला के क्या करेंगे। तो मुझे और मैंने कहा देखिए आप करते हैं, दक्षिण साहब ने बताया ये भी, देखिए हमको 40 साल से दूध बेचते हैं, उसके अलावा आप पूछो कि दूध का भाव कब बढ़ाना है वो मैं बता दूंगा या क्यों बढ़ाया वो मैं बता दूंगा। बाकी फिर उन्होंने कहा नहीं जय वर्षावड़ जी आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैंने कहा ये बात अच्छी है, चलिए कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ टिप्स मिलेंगी, और नहीं तो हमारी मैडम को ही हम मोटिवेट कर देंगे घर जाके। तो और साथ में और जब जैसे दक्षेश जी ने बताया कि हमने भी सोचा चलो आज जाने का है, बड़े दिनों बाद संडे आराम का दिन होता है कि आराम से उठे, मसाज कराया, सरदारों में बाल बाल अच्छी तरह धोने पड़ते हैं, तो गया। फिर मैंने चलो आप बैठ के बुलेट पॉइंट बनाए, मेरे को भी आप पेपर ढूंढ रहे थे तो मुझे तो पेपर ये मिला जो आज का प्रोग्राम का है। तो कनेक्टेड मिले, तो मैंने भी सोचा चलो बोलना है 10 मिनट बोलना है, पर मुझे आदत है जनरली 20 25 30 40 मिनट बोलने की, और जनरली पहले बोलते हैं फिर एक क्यूए होता है क्वेश्चन आंसर्स, वो 5-10 मिनट का होता है, तो मैंने कहा टाइम इतना कम दिया चलो अपन क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। तो बाकी तो ठीक है, तो जैसे भिड़े साहब ने बोला मेरे दिमाग में भी चलो आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप सोचते रहिए, नहीं नहीं मैं आप फोड़ भी दूंगा आपको, क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा, और हो सकता है कि उसमें जो मुझे कुछ मिनट बोलने में आपको मैं दे सकूं। देखिए आप लोग यहाँ आए हैं
धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य सब करना चाहते हैं, सबके दिल में इच्छा होती है कि मैं तो जो भी खुश, दूसरे को, सामने वाले को कैसे खुश करूं, सामने वाले को कैसे हैप्पीनेस दूं। बेसिकली हम सेवा क्यों करते हैं? दूसरे की खुशी देख के जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। तो हम ये चाहते हैं, मैंने ये सोचा कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ऐसा क्या सेवा का काम, धर्म का काम करें कि आप वो भी हो जाए और आपकी अच्छी अच्छी इनकम भी हो जाए, तो मतलब दोनों काम, एक पंथ दो काज हो, ऐसा क्या है, ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसा क्या एक गुजरात की गांव में रहने वाली आठवीं पास, नौवीं पास स्वर्णा बहन, सुरेखा बहन कर सकती हैं, जिसमें उनके पास कोई गांव में जमीन नहीं है, किसी का पति को पैरालिटिक अटैक हो गया है, घर में सिर्फ एक गाय है, तीन तीन बच्चे हैं, उनको पालना कैसे करेंगे? किसी का अनफॉर्चुनेटली पति की डेथ हो गई है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं क्या करूं? कोई इनकम नहीं है, क्या करूं? वो क्या है, वो क्या चीज है जिसकी महंगाई से हमको खुश होना चाहिए? जब उसकी हम जनरली इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई है, जिसकी महंगाई से हमको खुश होना चाहिए, वो ऐसा कौन सा ब्रांड है? अभी जो लेटेस्ट ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स निकला, पूरे वर्ल्ड में डेयरी का नंबर वन ब्रांड हुआ, वो कौन सा ब्रांड है? देखिए मैंने तो प्रश्न, आप प्रश्न पूछते मैंने पूछ लिए। और ऐसी कौन सी कृषि उत्पाद है जिसका हर 25 साल में जर्मन टकजी 3 गुना उत्पादन होता है? मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको आंसर पता ही होगा। सो अभी मैं आपको बताता हूं, उसमें से आप अपने जो मैंने अपने प्रश्न बोले उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। होता है ना, आज का ओपन बुक है तो आप बाद में जवाब देने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए आज जैसे स्वामी जी ने, गुरु जी ने बताया, छाबड़ा सो ने बताया, पूरे विश्व में अमूल का नाम है, इसका कारण है, और उसका जो जन्म हुआ आपके बड़ौदा के पास से हुआ, जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर केरला डिस्ट्रिक्ट में, जिसको अमूल कहते हैं, आज से एग्जैक्टली 76 साल पहले। और वो मॉडल सिंपल है, जिसको अमूल मॉडल कहते हैं, सहकारिता मॉडल कहते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल कहते हैं, इसको 3-tier स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें गांव के लेवल पे सहकारी मंडली होती है, जिसमें तकरीबन 200 मेंबर होते हैं और जनरली महिलाएं होती हैं, जो मैंने आपको बनाया, स्वर्णा बहन, सुरेखा बहन, अभी मालती बहन थी जिनको अभी HM ने 1 करोड़ से ज्यादा का दूध दिया था, उनको चेक दिया, वो मेंबर होती है, वो दूध लाती हैं, मंडली में देती हैं, उस दूध की क्वालिटी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक चेक होती है, उनको पेमेंट डिजिटली उनके अकाउंट में चला जाता है, और वो घर जाके उस खर्चे का जो भी उनको करना होता है, बच्चों का, एजुकेशन का, घर का सामान उलाती हैं। वही जो दूध आप मंडली में आता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट यूनियन होती है, जैसे बड़ौदा में बड़ौदा यूनियन है, सुगम डेयरी जिसको आप बोलते हैं, आनंद में अमूल डेयरी, मेहसाना, बनास, साबर, सूरत ही हैं, वहाँ दूध का प्रोसेसिंग पैकिंग वगैरह होती है अंडर वन कॉमन ब्रांड नेम अमूल, क्योंकि सबने मिलके डिसाइड किया कि हम एक ही ब्रांड में सब करेंगे। और एक स्टेट लेवल पे फेडरेशन है, 3rd tier, जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसको कहते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसका काम है कि अमूल ब्रांड के प्रोडक्ट्स को पूरे भारतवर्ष में और विदेश में इसकी मार्केटिंग करनी और बाकी सब इनपुट्स देनी। और अमूल आज आपको मालूम होगा इस वक्त भारत की सबसे बड़ी फूड और FMCG कंपनी है, पिछले साल इसका जो वार्षिक टर्नओवर था 61,000 करोड़, इस साल तक 72,000-73,000 करोड़ हो जाएगा, पर इसके मालिक ना तो गवर्नमेंट है, ना कोई कॉरपोरेट है, ना कोई मल्टीनेशनल है, इसके मालिक हैं गुजरात के 36 लाख खेडूत परिवार।
और सबकी मालिकी बराबर की है, एक एक शेयर है, और उसकी मालिकी में सबसे ज्यादा सहयोग जब मैं देख रहा हूँ यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी हैं, इसको अमूल को जनरली इसकी मालिकी महिलाओं के हाथ में है। हालांकि 36 लाख जो सभासद है उसमें से ऑफिशियली उसमें से तकरीबन 13-14 लाख होंगे, पर दूध भरने का काम, दूध को गाय भैंस का ध्यान करना, उसको नहलाना, उसको गोबर साफ करना, उसकी दवा दारू करनी, जब उसका बाछड़ा आएगा तो उसका ध्यान रखने का, वो सब कम महिलाएं करती हैं या उसके जो बच्चे करते हैं। तो बेसिकली ये एक आपका घर में जैसे एक महिला का हाउस होल्ड जिसको जॉब कहते हैं, इसमें एक गाय भैंस का भी केयर करना उसका एक यही काम है। तो तकरीबन गुजरात में कोई भी ऐसा गांव बाकी नहीं, 18,600 गांव में मंडली है। ये हो गया एक तरफ, अमूल ब्रांड का दूसरा हिस्सा आप हैं जो कंज्यूमर्स हैं। देखिए अमूल ब्रांड जब मैं बोलता हूं आप सोचते हो कि बटर चीज, पर अगर आप गुजरात के से खेडूत को अमूल बोले तो उसके दिमाग में आता अच्छा मंडली जिसको मैं दूध दूंगी, जिससे रोज मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मेरे घर का गुजारा चलेगा, जिससे मेरी लाइवलीहुड चलेगी। तो एक तरफ 36 लाख किसान परिवारों के लिए एक बड़ा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है जो उसको स्टेबल और रेमुनरेटिव प्राइस देता है, दूसरी तरफ करोड़ों कंज्यूमर आपके आप जैसे हैं जिनको अमूल एक बहुत ही प्योर इंग्रेडिएंट्स के बने हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ड की यूज करके, पैकेजिंग की यूज करके, बेस्ट ऑफ ब्रांडिंग कम्युनिकेशन यूज करके आपको पर दूसरों की तरह नहीं एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छा प्रोडक्ट, ताकि आप जो यहाँ लोग हमारे लाखों करोड़ों महिलाएं हैं कंज्यूमर्स हैं एक ब्लाइंड फेथ अमूल में रखें, वो ब्लाइंड फेथ जो आपकी एक आपके रिलीजन में होती है जिसमें आप ना लेफ्ट सोचती है ना राइट सोचते हैं, मैंने पगड़ी क्यों पहनी या बाल क्यों नहीं काटने, मुझे ये प्याज अनियन के बगैर खाना नहीं खाना, वो सोचते नहीं क्योंकि ये धार्मिक है, ब्लाइंड फेथ है। इसी तरह हमने जो डॉक्टर कोरियन त्रिभुवन दास पटेल ने ये ब्रांड बनाया कि लोगों का ब्लाइंड फेथ रहे, आप ना लेफ्ट देखें ना राइट देखें, गांव में हो तो अमूल की मंडली में दूध देना, शहर में हो तो अमूल प्रोडक्ट खरीदना, ना कि लेफ्ट और राइट देखिए। और इसके बीच में पूरा सप्लाई चेन है, तकरीबन 10,000 मिल्क टैंकर दूध इकट्ठा करते हैं, तकरीबन हमारे 100 डेयरी प्लांट पूरे इंडिया में है और तकरीबन 200 चिलिंग प्लांट हैं, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 लाख रिटेलर हैं। क्यों मैं क्यों ये नंबर दे रहा हूं जो मैंने आपको पहले बोला कि आप अपना रोजगार भी कमाएंगे जो इससे जुड़े हुए हैं और धर्म का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को उसकी लाइवलीहुड दे रहे हैं, ऐसे लोगों को खुशी दे रहे हैं जिसका और कोई साधन नहीं। स्वर्णा बहन, सुरेखा बहन किस पे डिपेंडेंट है? आप पे। आप अमूल का एक पैक लेती हैं, आप सोचते हैं कि आपने वो तो देखिए उसका 80% सुरेखा बहन स्वर्णा बहन को मिलता है। आप जो पैसा देती हैं ठीक है, आपने अपना काम किया, मैंने नौकरी की मुझे तनख्वाह मिली, पर मैंने ये भी देखा कि मैंने एक ऐसे आदमी की ऐसी महिला की मदद की जिस जो मेरे पे आश्रित, उसका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अमूल भारत में है और खाने पीने की चीज किस पे डिपेंड करती है। पहली बात तो देखिए खाने में कभी भी ऑब्सोलिटी नहीं आती, कभी भी रिसेशन नहीं आता, क्योंकि आप भी वही खा रहे हैं, आपके बच्चे भी वही खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एक ही चीज खा रहे हैं। आप थाली देखिए, मुझे नहीं लगता गुजराती थाली चेंज हुई है। मैं बचपन में था, वंस इन ए वाइल शौक होता था, पैसे मिलते थे 40 पैसे महीने में एक्स्ट्रा, तो एक मद्रासी कैफे में जाके डोसा खा लेते, तो हमारे लिए वो एक्सोटिक फूड था। बाद में चाइनीज एक्सोटिक फूड बना कर मैक्सिंग इटाल वो रहेगा, और आपकी गुजराती थाली नहीं जाने वाली। तो फूड में देखिए हमारी मार्केट है इस वक्त 138 करोड़ पेट, जो अगले 25 साल में बढ़ के 165 करोड़ होने वाले हैं, और ज्यादा पैसा लोगों के पास आ रहा है, ज्यादा खर्चा करेंगे, तो ये जो मार्केट है
बढ़ने वाली है, तो देखिए ये बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और आजकल लोग पैक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, प्रोटीन फैट रिच डाइट पे जा रहे हैं, टेस्टी डाइट पे जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, तो हमारे गांव में रहने वाली सुरेखा बहन स्वर्णा बहन की इनकम बढ़ने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इसी का कारण है आज भारत में अगर आप देखें 50 साल पहले सिर्फ 24 मिलियन मीट्रिक टन दूध होता था, 50 साल पहले, आज कितना होता है उसका 10 गुना 220, हर 25 साल में 3 गुना हो रहा है। कारण क्या है, भारत की जो दूध की सप्लाई चेन है इसकी पहली बात तो ओनरशिप किसानों की है, जो दूध पैदा करते हैं उसका प्रोसेस करते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो किसान, मैं पिछले 40 साल से अमूल में काम कर रहा हूं, पहली जॉब है कॉलेज के बाद, किसान जो मेरे बोर्ड पे 18 बोर्ड मेंबर हैं, सब किसान होंगे, थोड़ा पॉलिटिकल अलायंस होती है, बट थिंकिंग किसान की है, किसान के घर से आए हैं, उनकी थिंकिंग कॉरपोरेट या मल्टीनेशनल नहीं होती प्रॉफिट कमाना, उनका होता कि ठीक है मेरा खर्चा निकल जाए पर लोगों को अच्छी चीज जानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की जानी चाहिए, अच्छे भाव पे जाना चाहिए। उसकी वजह से आज जो स्केल मिला भारत की सप्लाई चेन दूध की सबसे एफिशिएंट है, जो दूध 1 लीटर आप बड़ौदा में खरीदते हैं उसका 80% किसान स्वर्णा बहन सुरेखा बहन 82% जाता है, और विदेश में देखें तो सिर्फ 35-36% जाता है। तो और अगर अगले आज अगर ये दूध की जो टोटल वैल्यू है पूरे 9 लाख करोड़ है, इतनी बड़ी वैल्यू का कोई और प्रोडक्ट इंडस्ट्री ही नहीं इंडिया में, 9 लाख करोड़ वीट पैडी पल्सिस सब मिला लेना उससे भी ज्यादा है, और अगले 25 साल में ये 3 गुना होगी क्योंकि बढ़ती बढ़ती है, लोग आप खा रहे हैं आप खरीद रहे हैं तो स्वर्णा बहन सुरेखा बहन पैदा करेंगे क्योंकि उनको इनकम बढ़ रही है, और हमारे 165 करोड़ पेट होने ही वाले, तो वो उसके कारण से ये बढ़ेगा। अभी एंड में ये कहूंगा कि क्या कारण क्या है इसके सक्सेस के, बहुत लोगों ने कहा क्योंकि आप में से कुछ सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं इंडस्ट्री वाले हैं, अगर किसी ब्रांड या इंडस्ट्री की सक्सेस के क्या क्या कारण क्या है, एक तो क्योंकि ये फूड बेस्ड इंडस्ट्री है, दोनों सप्लाई चेन मासीज हैं, तो एक तो मैंने बोला कि बहुत ही एफिशिएंट सप्लाई चेन है, उसकी वजह से स्केल मिलता है, उसकी वजह से आप कंपटीशन आपके पास नहीं आ सकता, उसकी वजह से स्टेक होल्डर्स चाहे वो किसान हो चाहे कंज्यूमर हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो आपके साथ जुड़े रहते हैं। दूसरी डे वन से अमूल ने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे पूरा एम्फेसिस दिया, आपको मालूम ही है, पर हम खर्चा दूसरों की तरह नहीं करती, दूसरे लोग जहां 8-10% तक खर्चा करते हैं एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में, हमारा खर्चा 1% से भी बहुत कम होता है, फिर भी विजिबिलिटी मिलती है, सबको मालूम है अमूल दूध पीता है इंडिया, सबके दिमाग में है, टॉप ऑफ द माइंड है, या अमूल बटर टॉपिकल कैंपेन अभी भी माइंड में है। टेक्नोलॉजी का पहले दिन से वर्ल्ड की ये नहीं कि कोऑपरेटिव है सहकारी मंडली है कंप्रोमाइज करेंगे, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, चाहे पैकेजिंग की हो चाहे आईटी सॉल्यूशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगर देखें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे गांव में अगर मेरी गाय या भैंस बीमार है तो अपने के लिए डिजिटली वेटरनरी डॉक्टर के पास मैसेज चला जाता है, शहर में या गांव में अगर रहते हैं तो आपको शहर में आना पड़ता है डॉक्टर में या डॉक्टर के पास मैसेज चला जाता है, विद इन 2 आवर्स डॉक्टर आपके गाँव में आपके घर पर आकर वो आपकी गाय या भैंस को ट्रीट करता है। और ऐसे ही हम बहुत फॉर्चुनेट, ये किसी भी संस्था की जैसे छाबड़ा साहब आनंद आश्रम के सूत्रधार है, डिपेंड करता लीडरशिप के लिए, हम बहुत लकी थे कि हमारे को श्री त्रिभुवनदास पटेल जो सेल्फलेस पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, और उसके साथ बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेशनल लीडरशिप डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मिली, जिनका हमने कल ही 101 बर्थडे मनाया। और लीडरशिप बहुत डिपेंड करती है, और लीडरशिप संस्था में डीएनए लाती है, आज 75 साल से जो अमूल का डीएनए है इन लोगों ने बनाया, इसकी वजह से आज एजलेस कंपनी बन चुकी है। तो अंत में मैं धन्यवाद करूंगा छाबड़ा साहब
कि आनंद से आके आनंद आश्रम के इस इवेंट में दिल आनंदित हो गया था।